नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट चार में रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आप भी 20 क्वेश्चनों में से बताइए कि कितने सही सही किए हैं आपने, कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। पहला है, देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या आकृति को चुनिए, मतलब इसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो बताना है। तो यदि हम इनमें देखें डिफरेंस 1 से 6 हम किस प्रकार से ला सकते हैं, तो देखिए खुद से बनाने का प्रयास कीजिए और कमेंट में पहले आंसर बताइए। तो देखिए यदि हम इस 1 को देखें तो एक है जो, एक क्या है, 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 ही रहेगा। अब इसको यदि हम देखें 1 से कितना हुआ है 6, तो यदि हम इसके फैक्टर कर दें तो कितना आएगा, ये 2 और 3 है, 2 3 6 हो जाएगा। तो अब एक से इसमें क्या हुआ है, यदि हम इसमें देखें तो इसमें कितना है प्लस 1 है, और इसमें यदि हम देखें तो इसमें कितना किया है प्लस 2 किया है। मतलब 1 का स्क्वायर करने के बाद में 1 आया है, तो उसमें हम 1 जोड़ेंगे और इसके बाद 2 जोड़ के गुणा कर देंगे। इसी प्रकार इसको यदि हम देखें तो इसको देखेंगे यदि हम, तो ये कितने का 2 का क्यूब आ जाए, 2 8 है जो 2 का क्यूब है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और इस 2 में अब क्या करना है 1 जोड़ना है, तो 2 से 1 3 होगा। फिर इसमें कितना जोड़ना है 2 जोड़ना है, तो इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, और इसका हमें गुणा कर देना है 4 3 12। तो देख लेंगे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, सी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर आकृति को चुनिए। तो देखिए इसमें हमें बताना है आर से ए, ए वाले से ये हुआ है, तो इससे हेल्प किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यदि हम इसको देखें तो देखिए ये 18 पर आता है, ये 9 पर आता है, इसके बाद में डी 4 पर, और ये 5 पर आता है। तो इससे कैसे कितना हुआ है ये देख लेंगे, ये 12 पर आता है, एन 14 पर आता है, और ये 2 पर आता है, इसके बाद में ये 5 पर आएगा। देखिए इसमें तो 0 प्लस है, इसमें यदि हम देखें तो इसमें कितना है माइनस का 2 है, और इसमें देखें यदि हम डिफरेंस, तो इसमें कितना है प्लस 5 है, और इसमें देखें 18 में से माइनस 6 कर देंगे। तो ठीक है, इसी प्रकार से हम इसमें करके देखेंगे, यदि आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और कर देंगे। देखिए यदि हम इसको देखें तो ये 5 पर आएगा, सॉरी ये 8 पर आता है, एच है जो वो 8 पर आएगा, ई 5 पर आता है, इसके बाद ये 12 है, इसके बाद में ये 16 है। तो देखिए इसमें कितना प्लस माइनस 6 करना है, तो माइनस 6 यदि हम इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस 6 करेंगे तो आएगा 2, 2 पर आता, इस पर हम ऊपर लिख लेंगे 2 आ जाएगा। इसमें फिर कितना है 5 प्लस करना है, 5 में 5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10, इसमें से माइनस 2 करना है तो 10, 12 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 10, और ये 16 है, तो 16 को 16 ही रहने देना है। अब इसको लिख लेंगे हम, क्या हो जाएगा ये देखिए, 2 पर आ जाएगा बी, 10 पर आएगा जे, 10 पर फिर जे, इसके बाद 16, 16 पर आएगा पी। देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन है जो वो राइट हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। देखिए इसमें भी हमें बताना है, तो ए 4 पर आता है और एच 8 पर आता है, यदि हम इसमें देखें तो इसमें 4 प्लस है, इसके बाद यदि हम इसमें देखें तो 8 में कितना जुड़ा है 13 हुआ है, 8 और 5 13, तो इसमें 4 प्लस इसमें 5 प्लस, तो इसमें देखेंगे हम तो इसमें कितना प्लस हो जाएगा 4 5 6, तो यदि हम 13 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19, 19 पर आ जाएगा एस। ठीक है, ये एस तक पहुंच जाएंगे हम। इसके बाद इसमें देखें यदि हम, तो ये 9 3, इसमें देखें यदि हम, तो इसमें प्लस 4 है, ये 5 पर आता है, ये 9 पर, 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 में फिर कितना जुड़ा है कि 14 हुआ है, तो इसमें भी 5 जुड़ा है। तो इसके बाद इसमें भी हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 6, तो इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो 14 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20, 20 पर आ जाएगा हमारा टी। इसके बाद इसमें देखें तो 6, इसमें भी 6 में 4 10 हुआ है, इसके बाद ये 15, और इसमें 6 जोड़ेंगे तो 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 21 पर आ जाएगा यू। मतलब क्या है, देखिए पहले 4 फिर 5 6, इसका डिफरेंस चल रहा है, तो देख लेंगे एस टी यू किस में है, एस टी यू बी में है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें भी देखिए एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो इसमें हमें सबसे पहले तो डिफरेंस देखना है, यदि हम इनमें डिफरेंस देखें तो इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें 11 का है,
और 23 से 34 में देखेंगे यदि हम, तो इसमें भी 11 का दिख रहा है और इसमें भी 11 का ही है। ठीक इसी प्रकार से इसमें देख लेंगे हम, तो इसमें भी 11 प्लस करेंगे, तो यदि हम 45 में क्या कर दें, देखिए यदि हम 45 है, 45 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 और ये 56, ऑप्शन ए है जो वो राइट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 56। अब इसमें यदि हम देखें डिफरेंस, तो इसमें भी 11 का ही है, इसमें देखेंगे तो इसमें भी 11 ही है, और इसमें भी देखेंगे तो सभी में कितने का है, 11 प्लस है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चार समुच्चय में से वह समुच्चय को चुनिए जो दिए गए समुच्चय जैसा है, दिया गया समुच्चय ये है, तो इसमें हम बताना है। तो यदि हम इनमें देखें, देखिए इसको यदि हम एक अनुपात के रूप में ले लें और इसको हम किससे 9 से ही काट दें, तो 9 एकम 9, 9 तिया हो जाएगा ये 27, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 बचेगा तो 18 हो जाएगा, तो ये वाला आना चाहिए, मतलब 1, 3 और 12 का अनुपात आ रहा है। तो इसी प्रकार यदि हम इनमें देखें, 5 एकम 5 हो जाएगा, इसको देखेंगे यदि हम 5 तिया 15 हो जाएगा, और इसमें देखेंगे तो 5 एकम 5, 2 बचेगा तो 25 पचम 25, 1, 3, 15 आ रहा है, 12 आना था। इसको देखें यदि हम, तो इसमें आ जाएगा देखिए 11 एकम 11, 11 तिया 33, इसके बाद देखेंगे तो 11 एकम 11, 1 बचेगा, 2 बचेंगे तो 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22, मतलब इसमें आ रहा है तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन हम इसमें भी देखेंगे, इसमें देखें यदि हम, तो 15 एकम 15, 15 तिया हो जाएगा ये 45 और 15 छक्का ये 90, इसमें ये आ रहा है। इसमें देखेंगे यदि हम, तो 8 एकम 8, 8 तिया 8, 4 के 32, देखिए इसमें तो पहले ही 4 आ गया है, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्या अनुपात बना, 1, 3, 12 का। दिए गए विकल्प में से विषम संख्या युग्म को चुनिए, इसमें हमें विषम संख्या युग्म को चुनना है। तो यदि हम इसको देखें, तो इसमें देखिए 2 से भी जाएगा, 5 से भी चला जाएगा भाग, और किससे जाएगा ये 2 से 5 से 10 से, 3 से तो जाएगा नहीं, नहीं 3 से नहीं जाएगा। इसमें यदि हम देखें तो 13 7 91 हो जाएगा, और इसमें सिर्फ 13 से ही जाएगा। देखिए इसको यदि हम 13 से काटें, देखिए ये हो जाएगा 13 7 91, इसके बाद में कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 3 बचेगा तो 39, 13 तिया 39, इसको देखें तो 13 13 6 78, इसको काटेंगे तो 13 एकम 13, 3 बचेगा 13 तिया 39, ये भी कट रहा है 13 से, और इसको देखें तो 13 7 91 13 8 हो जाएगा कितना, 104, इसको काटेंगे तो इसमें कितना आएगा, 13 तिया 39, 3 बचेगा तो फिर 13 तिया 39, इसका मतलब ये है कि ये सभी जो नीचे की संख्याएँ हैं वो किससे विभाजित हैं, 13 से विभाजित हैं, लेकिन जो ऑप्शन ए है वो 13 से विभाजित नहीं है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए अलग हो जाएगा। शंभू ने कृष्णा से कहा कि तुम मेरी बहन की माँ, देखिए ये हो जाएगा शंभू, इसकी कोई बहन है, तुम मेरी बहन की माँ, इसकी माँ के पति, इसका कोई पति है, पति की बहन, इस पति की भी बहन, ये इसमें हम प्लस माइनस कर देंगे, ये पति पत्नी हो जाएंगे, ये इसकी बहन, पति की बहन के बेटे हो, मतलब ये इसकी बहन का बेटा है, ये हो जाएगा हमारा कृष्णा। तो अब बताइए कि कृष्णा शंभू से किस प्रकार से संबंधित है, तो शंभू कृष्णा से किस प्रकार से संबंधित है, तो देखिए ये इसकी माँ के पति मतलब कि पिताजी की बहन का लड़का है, मतलब फूफेरा भाई है, वो क्या है, फूफेरा भाई भाई है, ऑप्शन ए है जो वो राइट हो जाएगा। आठ देखिए, अपने बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये हमारा कथन है, निष्कर्ष वाला है, सभी माता पिताओं को अवश्य समझना चाहिए। तो देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जिन बच्चों के माता पिता ना हों वे अपनी पूरी क्षमता तक विकसित नहीं हो सकते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में उनकी सहायता कर सकते हैं, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा निष्कर्ष निकल जाएगा लेकिन पहला नहीं निकलेगा, क्योंकि जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं उनका भी विकास हो सकता है, क्षमता विकसित होती है, क्यों नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा है, केवल बी ऑप्शन ही
दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। नवा देखिए, निम्नलिखित चार में से तीन किसी प्रकार से एक समान है और वे अपना एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा एक है जो इस समूह में शामिल नहीं है। तो इसमें हमें देखिए एक समूह बनाते हैं, यदि हम इनमें भी देखें तो इसमें देखिए ये 3 से कटेगा और 13 से कटेगा, इसके बाद किसी से नहीं कटेगा, है ना। 13 दिया 39, हाँ इसको देखेंगे तो ये 3 से कटेगा और ये 7 से कटेगा, इसको देखेंगे तो ये 3 से कटेगा और तिरछी 78 13 से कटेगा और ये 2 से भी कट जाएगा। लेकिन यदि हम 37 को देखेंगे तो 37 किसी से भी नहीं कटेगा, 37 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 37 ही इसमें अलग होना चाहिए, क्योंकि बाकी ये सभी भाज्य संख्याएं हैं, जबकि जो 37 है वो अभाज्य संख्या है। तो इसी प्रकार से ऑप्शन डी है जो वो अलग हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में गोल्ड को ए लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लाइफ को ए लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हम बी ओ आई डी को किस प्रकार लिखेंगे। हम देख लेंगे बी ओ आई और डी इसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का है, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। देखिए यदि हम देखें वी, वी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वी को क्या लिखा है, 8, वी को 8 लिखा है, तो वी की स्थान पर हम लिख देंगे 8। आई है, आई दूसरे नंबर पर है, तो आई को 9 लिखा है, आई को क्या लिखा है, 9, तो हम इसको 9 लिख देंगे। सॉरी ओ है, ओ देखिए दूसरे स्थान पर है, तो क्या है, आई को 9 है, तो आई को हम 9 भी लिख देंगे, और ओ को 1 से बोला है तो यहाँ पर ओ के लिए 1 लिख देंगे। डी लास्ट में है तो इसको 4 बोला है, तो इसको हम 4 लिख देंगे। देख लेंगे 81-94 बन जाएगा, ऑप्शन ए में है, तो ए ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। 11वां देखिए, नवीन को याद ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 14 के बाद परंतु 20 से पहले हुआ है, और उसकी बहन को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 18 के बाद परंतु 19 से पहले है, यदि दोनों अपनी जगह ठीक हों तो उनकी माता का जन्मदिन कब होगा। अब यदि हम देखिए नवीन के अनुसार देखें, नवीन के अनुसार कब कब हो सकता है, 14 के बाद 20 के पहले, तो ये 15 को हो सकता है, 16 को हो सकता है, और 17, 18 और ये 19 तक हो सकता है, 20 के पहले हैं। इसके बाद उसकी बहन को क्या याद है, बहन का भी देख लेंगे हम कि 18 के बाद है परंतु 23 से पहले है, तो मतलब 18 के बाद क्या आएगा, 19, 20 को भी हो सकता है, 21 को भी हो सकता है, 22 को भी हो सकता है, लेकिन 23 को नहीं हो सकता। तो इन दोनों में हम देख पा रहे हैं कि बीच में कॉमन कौन सा है, सिर्फ 19 दिख रहा है, 19 इसमें भी है, 19 इसमें भी है, तो यदि वे दोनों ठीक हों तो उसकी माता का जो जन्मदिन है वो किस तारीख को होगा, 19 तारीख को होना चाहिए। तो हम देख लेंगे डी में है, तो डी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। इस प्रकार से करते हैं इन तारीखों के क्वेश्चनों को। 12 देखिए, यदि माइनस का अर्थ है डिवाइड और गुणा का अर्थ है प्लस और डिवाइड का अर्थ है गुणा तथा प्लस का अर्थ है माइनस, तो देखिए 40 पहले क्या है, डिवाइड, डिवाइड को गुणा कर देंगे, माइनस है तो माइनस को डिवाइड कर देंगे, प्लस है तो प्लस को माइनस कर देंगे, और गुणा है तो इसको हम प्लस कर देंगे, काट देंगे, 4 5 हो जाएगा 20 और 5 4 हो जाएगा 20, गुणा करने पर 200 आ जाएगा। इसके बाद में हम इसको देखें यदि, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 8 में से 6 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। अब 200 में से माइनस 2 करेंगे तो 198 आ जाएगा, जो कि देख लेंगे ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन ही है जो वो राइट हो जाएगा। 13 देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में एस टी ओ आर एम ई डी को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो हम देखें यदि, देखिए सबसे पहले तो देखेंगे एस टी ओ आर एम ई डी क्या हुआ है, इससे पी, इसको हम दूसरे कलर में देख लेंगे, देखिए ये पी है, यू टी क्यू सी डी और एल। यदि हम इसमें देखें, देखिए यदि हम देखें इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करें, यदि इसको हम इस प्रकार से कर दें तो ये हो जाएगा कितना, प्लस 1
और इसको हम देखिए, यहाँ से देखें तो 15, 15 के बाद 16, इस पे प्लस 1 आ जाएगा। और इसको बीच में देखेंगे तो 20 और 21, इसमें भी प्लस 1 आ जाएगा। और इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, देखिए इसमें भी 12 के बाद 13 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर सी है, इसमें -1 है, लेकिन इसमें कितना है, देखिए इसमें -1 किया है, और इस साइड में भी -1 है, और इसमें भी -1 है। मतलब देखिए इस साइड में +1 करना है, बीच में प्लस, इसमें देख लेंगे 18 में से -1 है, इसमें -1 है। तो ठीक इसी प्रकार से हम इसमें देख लेंगे, देखिए इसको लिखें, यदि हम देखिए इसको लिखने पर सी ओ आर एन ई आर एस। अब देखिए यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा, और यहाँ होगा, इससे ये यहाँ जाएगा, इससे ये इस प्रकार से होगा। इस साइड में +1 है, इसमें -1 है, तो इसको हम लिख लेंगे। देखिए इसके बाद में क्या है, +1 है, तो 18 के बाद में आ जाएगा 19, 19 पर आ जाएगा एस, इसमें देखें तो इसमें भी +1 करना है, तो 15, 15 के बाद में आ जाएगा 16, इसमें +1 करना है तो डी आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद इसमें -1 करना है तो 13 आ जाएगा, 13 पर आएगा एम, इसमें कितना -1 करना है, तो 19, 19 में से एक माइनस करेंगे तो 18 पर आर आएगा, इसमें से एक माइनस करेंगे तो 18, 18 में से एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा 17, और ई में से एक माइनस करेंगे तो आएगा डी। देख लेंगे विकल्प कौन सा दिख रहा है, तो देखिए एस पी डी एम आर क्यू डी ऑप्शन ए में है, तो ए ऑप्शन ही है जो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 14 देखेंगे, ए बी सी डी एवं ई में से प्रत्येक का वजन अलग अलग है, डी है जो ए एवं सी से भारी है। तो देखिए सबसे पहले तो हम डी बना लेंगे, ए भी हो सकता है यहाँ पर, सी भी हो सकता है, सी से भारी है, ई है ए से हल्का है, ई है जो किससे हल्का है, ए से हल्का है। तो देखिए या तो ये यहाँ पर आ सकता है ई, तो इससे हमें पता चल जाएगा, लेकिन सी को कहाँ बैठा लेंगे फिर हम, या इसमें दो कंडीशन बन जाएगी, देखिए या तो ए सी इसके बाद ए आ जाएगा, और एक कंडीशन बनेगी कि सी ऊपर जा सकता है, क्योंकि ए और सी के बारे में और कुछ भी नहीं कहा है। तो देखिए सी नीचे आ सकता है, सॉरी ऊपर क्यों जाएगा, तो ए हो जाएगा, इससे नीचे ये हो जाएगा और इसके नीचे ये हो जाएगा, लेकिन हम क्लियर नहीं बता सकते हैं कि इसमें सबसे छोटा कौन है, या तो सी है या फिर ई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आंकड़ा है वो अपर्याप्त है। एक शब्द और होना था कि इसमें या तो बताना था कि ए है सी से छोटा है, तो इस प्रकार से आंकड़ा अपर्याप्त है इसमें। 15 देखिए, यदि नीले को सफेद कहा जाए, सफेद को हरा कहा जाए, देखिए नीले को बोला है सफेद, सफेद को बोल दिया हरा, हरा को बोल दिया है लाल, और लाल को बोल दिया है भूरा, भूरा को बोल दिया है काला, और काला को बोल दिया है पीला, तो बताइए कि मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है। देखिए रक्त का रंग जो होता है वो क्या होता है, लाल होता है। तो देख लेंगे लाल को क्या बोला है, लाल को भूरा बोला है, तो भूरा हो जाएगा ऑप्शन बी में। लाल को क्या बोलेंगे हम, भूरा, तो ऑप्शन बी है जो वो राइट हो जाएगा। 16 देखिए, 20 मोहन 20 मीटर पश्चिम में चला, ये है जो मोहन, मान लीजिए ये मोहन है, यहाँ पर पश्चिम इस साइड में होता है, देखिए इसको देख लेंगे हम, उत्तर होता है ये, दक्षिण होता है ये, पूर्व और ये पश्चिम होता है। तो देखिए ये पश्चिम हो जाएगा, तो पश्चिम में 20 मीटर गया, तो पश्चिम में इस साइड गया। अब इस फिर क्या है, दाएं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता, अब ये दायां मुड़ेगा तो ऊपर होगा, इसका बायां नीचे होगा, और दायां ऊपर होगा, तो दाएं 30 चला जाएगा। इसके बाद में फिर वह दाया मुड़ता, अब इसका जो दाया है वो पूर्व साइड होगा और बाया होगा पश्चिम साइड, तो इसमें 20 मीटर चला जाएगा। तो अब उसका मुख किस दिशा में है, देखिए इस साइड में जा रहा है, तो इस साइड में दिशा कौन सी होती है, पूरब होती है, तो ऑप्शन सी है जो वो राइट हो जाएगा, पूरब दिशा की ओर उसका वर्तमान में अभी कहाँ है, मुख है। 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर, नीचे दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके यह ज्ञात करें कि वे युवक जो नौकरी करते हैं लेकिन शिक्षित नहीं हैं,
जो युवक नौकरी करते हैं और क्या है शिक्षित नहीं हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से होंगे? देखिए, नौकरी तो करते हैं युवक, नौकरीशुदा कौन सा है? ये वाला है नौकरी के लिए, और युवक भी हैं वो। युवक मतलब कि नीचे और इन दोनों में होना चाहिए, इसमें और इसमें होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए, मतलब वो क्या है शिक्षित नहीं है। तो देखिए, इस वाले में यदि हम छोड़ दें तो ये वाला यहाँ से अलग हो जाएगा। अब बचा क्या, दो बचा, तो दो तो सिर्फ युवक है और हमें चाहिए नौकरी वाला, तो नौकरी वाला कौन बचा? बीच में सात है, तो केवल सात ही है ऐसा जो युवक नौकरी करता है, तो ऑप्शन ए में है सात, तो केवल ए ही हो जाएगा, केवल सात। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इसमें हमें बताना है। तो देखिए, यदि हम इसको देखें, प्रत्येक क्वेश्चन को आप वीडियो रोककर बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, यदि हम इसको देखें, देखिए इसका और इसका यदि हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, और इसका कर देंगे तो 4 तिया हो जाएगा 12, और इन दोनों का कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 12 6 72। इसका मतलब ये है कि देखिए 3 का गुणा कर देंगे हम 2 में तो आ जाएगा कितना, 3 दूनी 6, 4 का गुणा कर देंगे हम 3 में तो आ जाएगा 12, और फिर इन दोनों का कर देंगे, 6 का गुणा करेंगे 12 में तो 12 6 72 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसको देखेंगे तो 10 का गुणा कर देंगे हम किस में, 4 में, तो आ जाएगा ये 40, 9 का करेंगे हम 18 में, 9 का करेंगे 2 में तो 9 दूनी 18, और 18 का गुणा कर देंगे हम किस में, 40 में, तो 18 चौके 72 और 0 720 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें देख लेंगे तो 1 का गुणा कर देंगे हम 20 में तो आ जाएगा 20, बीच में प्लस हो जाएगा, सॉरी ये इसका गुणा कर देंगे हम 20 में तो ये 20 एकम 20 हो जाएगा, और 6 का गुणा करेंगे हम 6 में तो आ जाएगा ये 36, और इसके बाद में क्या करना है, 20 का गुणा करना है हमें 36 में, तो 36 दूनी 72 और 0 720 देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है 720, तो 720 राइट हो जाएगा। कौन सी आकृति हॉकी खिलाड़ी, रबड़ बालों और कवियाओं के बीच संबंध निरूपित करती है? तो इसमें देखिए, हॉकी खिलाड़ी और कौन है, कवियाओं के और रबड़ बालों के लिए, रबड़ बॉलों मतलब रबड़ की बॉलें हैं। तो इसमें देखिए, यदि हम देखें क्या देखेंगे हम इसमें देखें यदि हम, तो देखिए खिलाड़ी है हैं वो, रबड़ तो अलग हो जाएगा, सबसे पहले तो रबड़ बॉलें अलग हो जाएंगी। देखिए इसमें या तो ये हो सकता है अलग वाला, ये वाला तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये हो जाएंगी सबसे पहले तो रबड़ बॉलें, इसमें कवियाओं के बीच और हॉकी खिलाड़ियों के बीच, तो देखिए ये हो जाएंगे हॉकी खिलाड़ी और ये हो जाएगा कवि। देखिए कुछ कवि खिलाड़ी भी हो सकते हैं, और ये रबड़ बालें हमेशा अलग ही रहेंगी, इनमें और इनमें कोई संबंध नहीं होगा। तो इस प्रकार से चौथे में दिख रहा है, तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेकिन इसमें हमें लगाना कौन सा है, डी, डी में है चौथा, तो डी ऑप्शन ही है जो वो राइट हो जाएगा। वह उत्तर आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। इसमें देखिए प्रश्न आकृति निहित होनी चाहिए, मतलब कि यदि हम घुमा भी दें इसको तो ये इस प्रकार से भी होनी चाहिए, लेकिन इसमें देखिए इसमें तो ये डायरेक्ट है तो ये भी नहीं होगी, इसमें भी घुमाया नहीं गया है इसको, इस साइड में होना था, ये इस साइड है तो इस साइड होना था, बी भी नहीं होगा, और इसमें भी नहीं घुमाया, ये भी नहीं होगा। लेकिन इसको देखें यदि हम, तो देखिए ये वाला जो लाइन है जो ये हो जाएगी इस प्रकार से, इसको हम घुमा देंगे 90 डिग्री पर, इसको इस प्रकार से घुमाने पर ऑप्शन सी जैसी आकृति बन जाएगी, तो सी में जो है वो अंतर्निहित है, तो इस प्रकार से ये सी आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।